दूसरा हमने देखा कि कौन कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व था, तीसरा ये पूना पैट का जो हिस्ट्री वाला एंगल था वो भी देख लिया है। कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन होता है तो आप अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए। इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई कन्फ्यूजन है? साक्षी गौर, वो दूसरा टॉपिक है, इलेक्टोरल बॉन्ड टॉपिक जब आएगा तो उसे एड्रेस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अन अकेडमी का नया बैचेस शुरू हो रहा है, एवरी वेंसडे बैचेस शुरू होते हैं, तो मिशन जो है वो बायलिंगुअल के लिए है, लक्ष्य है हिंदी के लिए, और एक्सपीडिशन जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जितना आपका फ्रेंड्स हैं उनको इसके बारे में बताइएगा। आपको पता होगा स्ट्रक्चरल करिकुलम जो है वो मिलता है फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स का हो मेंस का हो। अच्छा, क्लास के बाद यहाँ आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अगला क्लास में सारा डाउट्स क्लियर भी करवा देंगे। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आंसर कर दूंगा। कल सुबह मिलते हैं, खूब पढ़िएगा और कम मजा करिएगा। चलिए, जय हिंद। अदरक डाला क्या? स्विच करता है बेतू है? अभी अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था, बाहर आते ही मुंह उतर गया तेरा, क्या हुआ? कल रात की बात को लेके बैठा है क्या? छोड़ यार, जान दे। कैसे छोड़ दूं यार, उम्मीद नहीं था यार। तुमने उम्मीद ही गलत आदमी से की थी ना, और मैं तो जानता था कि नहीं आएगा। लोग आईएएस बनने के बाद बदल जाते हैं। बदल गया ये भी, और तू दिमाग छोटा कर यार, मैं तो खुश हूं कि नहीं आ रहा है। तो भरोसे को चोट लगा है। अच्छा, कौन बोल रहा था दोस्त है? दोस्त है, मैं बोल रहा था ना, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए, क्या बच्चों वाला हरकत है यार। अच्छा, मुझे क्या लग रहा था तेरा शादी में आएगा ना, है तो बातचीत में बोलूंगा कि एक बार इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर ले ले। अभी क्या होता है कि टीचर का दोस्त आईएएस आके लेक्चर देता है ना, थोड़ा सा धाक बनता है, माहौल बढ़िया रहता है। क्या क्या तू अभिलाष को मेरी शादी के बहाने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चर के लिए बुला रहा है? शे नहीं भाई, शादी फोकस है यार, बाय द वे में लेक्चर हो जाएगा। रहने दे यार, तुझे ना फिक्र इस बात की नहीं है कि मेरी शादी में नहीं आ रहा है, तुझे फिक्र इस बात की है कि तेरे उस घटिया से इंस्टीट्यूट में उसका दो कौड़ी का लेक्चर नहीं होगा, है कि नहीं? दे यार, नहीं भाई, क्या बोल रहा है यार, क्या दोगला इंसान है यार तू, ईमान है कि नहीं तेरे अंदर? भाई अच्छा हुआ तू आईएएस नहीं बना यार, तू बनता ना तो एक नंबर का घूसखोर और बेईमान ही बनता। क्या दो चार चीजें मिक्स करके बोल रहा है कुछ भी? तुझे दोस्त की खुशी से ज्यादा कलेक्टर साहब का पिछवाड़ा चाटना है ना, तो चाट ना भाई, मुझे मत इन्वॉल्व कर इसमें। और इतना ही था तो खुद कर लेता ना क्रैक भाई आईएएस, हाँ क्यों नहीं कर पाया, बन जाता, जाता रहता फिर दुनिया भर में लेक्चर देने। तूने कर लिया यूपीएससी क्रैक, तू भी आया था ना, बन गया आईएएस हैं? मैं कहीं तो कामयाब हुआ ना, तू क्या है पढ़ा हुआ इतने सालों से ही ओल्ड राजेंद्र नगर में, कुछ कर नहीं पाया तो टीचर बन गया। तू लूजर का लूजर ही रहा भाई, याद रखियो। चाय तो पी ले, अदरक लेने गया था नीचे।
मंत्री जी और उनके वॉलंटियर्स रैलिस के लिए ट्रक का इंतजाम खुद करें, ये हमारा काम नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रैली के दौरान सिक्योरिटी की है, वो हम करेंगे। डिसमिस। सुंदर और नए चेहरे, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा छो। भाई आप लोगों को देखकर ना मुझे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन ध्यान आ गई। 2002, हाँ यस, 2002 का समय था, सारे देश में दंगे हो रहे थे और यहां हम अपनी आईएएस की जंग लड़ रहे थे। उधर एग्जैक्टली उधर बेटा जहां तुम बैठे हो ना, वहां बैठता था मैं जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था। जानते हो क्या हुआ? नहीं निकला। दूसरा दिया, वो भी नहीं निकला। तीसरा दिया, प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन जब मेंस की बारी आई तो फिर वही कहानी, नील बटे सन्नाटा डिवाइडेड बाय जीरो, नहीं निकला। और फिर चौथे तक आते आते तो भैया हमने खुद से ही हार मान ली कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि शर्म बहुत आने लगी थी, क्योंकि जो साथी दोस्त थे वो 10-10 लाख के पैकेज उठा रहे थे और हम जनाब अब तक भी अपने मां बाप के खर्चे पर एग्जाम्स दे रहे थे। बल्कि हालात तो यहां तक खराब हो जाते हैं कि दोस्तों से पैसे मांगने की नौबत पड़ जाती है। लेकिन कब तक मांगोगे दोस्तों से पैसे? क्योंकि एक दिन जिस दिन वो मना कर देते हैं तब लगता है बहुत बुरा लगता है ना, बुरा। रातों को नींद नहीं आती थी, अब तुम लोगों को भी कहां आती होगी, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा ना। हम भी आए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ? नहीं निकला। तब लगा कि यार अब तो उम्र भी बढ़ने लगी है, क्या करना चाहिए, पढ़ा लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। तुम लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो अपनी इंजीनियरिंग की या बैंकिंग की या कोई और नौकरी छोड़कर आए होंगे। आए हो छोड़ के? किसने कहा था?
किसने कहा था इस हीरोपंती के लिए कि अच्छी खासी चलती हुई जॉब छोड़कर आ गए यहां पढ़ने के लिए? जरूरी नहीं है कि बनी जाओगे आईएएस, नहीं छोड़नी चाहिए थी जॉब। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ कि जॉब जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्त, लेकिन हम लोग उसे बस यूं ही आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन खैर चलिए साहब, क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, इतनी छोटी सी बात पे तो कोचिंग छोड़ देगा है? छोटी सी बात है यार, एक टीचर वो होता है जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया, इंस्पायर करे। यहाँ यूपीएससी में वो टीचर बन रहा है जो खुद फेल हुआ है। आईएएस खुद थोड़ी आएगा तेरे को पढ़ाने मतलब कोई अगर आईएएस ही है तो टीचिंग क्यों करेगा भाई? आईएएस समाज का नौकर होता है, समाज का सेवक नहीं। तो यार पर एटलीस्ट एक बार मेंस तो निकाला हो, दो बार तो प्री मैंने ही निकाला है। अरे तो इसीलिए तो जीएस पढ़ा रहे हैं बस वो, और उससे बेस्ट है भाई वो। अब कुछ लोग पढ़ाने में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, हमारे साथ पढ़ाने में अच्छे। तीन चार दिन पढ़ के तो देखे यार। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और जीएस जो मेरा ऑलरेडी वीक है, पैटर्न चेंज होने के बाद 600 से 1000 नंबर का हो गया। मैं ऐसे टीचर से कैसे पढ़ सकता हूँ जो जिसने खुद फोर्थ अटेम्प्ट में गिव अप कर दिया था? पता यार अब कोई फेलियर है तो है ना यार, अब पढ़ाई तो तुम्हें खुद करनी है ना, और ये कोचिंग होता है वो गाइडेंस के लिए। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ यार, जो खुद फेल हुआ है वो सही गाइड कैसे करेगा? बता तू बता, जिसे दिल्ली का रास्ता नहीं पता वो तेरे को कैसे पहुँचा देगा कि बस बोला कि चलो बैठो तो चल पड़े? गल सुन, प्रकाश सर को ना बहुत लोग अपना गुरु मानते हैं। यार मैं ना कोचिंग छोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है छोड़ देते, फीसी वापस नहीं होगी। फीसी वापस नहीं होगी, इनका बाप भी पैसे वापस। हाँ जा, बाप को ढूंढ, यहाँ यूपीएससी करने आएगी, बाप ढूंढने आए साले। जा जा, नहीं होगी भाई, फीस वापस नहीं करते। नो नो नो, फीस रिटर्न का तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है ना बेटा, प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ा तुमने? सर प्लीज़ सर, पर मुझे तो वापस चाहिए होगी सर। दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं घर जा रहा हूँ सर, वहीं से पढ़ूंगा। इधर आओ, इधर आओ सर। बिना कोचिंग के यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर पता है, वो तो वो मम्मी एक्चुअली काफ़ी सीरियस बीमार हैं सर। क्या हुआ? उनको अल्जाइमर्स है। भूलने की बीमारी? अरे तो सबको होती है, मुझे भी है, मैं भी भूल जाता हूँ बहुत कुछ। आप भी डॉक्टर को दिखाइए सर। अरे नाना, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भूलते हैं ना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सर उन्हीं साइंटिस्ट के हिसाब से सर वर्ल्ड की 7th मोस्ट डेंजरस बीमारी है सर। हाँ बहुत खतरनाक बीमारी है सर। सर मम्मी का बहुत सीवियर है, वो मुझे भूलती जा रही हैं। वो सब्जी लेने जाती हैं सर, झांसी की बस पकड़ के मामा के घर पहुंच जाती हैं। बहुत दिक्कत हो रही है सर। तो मम्मी को सब्जी लेने भेजते क्यों हो भाई? इसलिए तो सर जाना पड़ेगा ताकि सब्जी लेने मैं जाऊं। उनको मेरी ज़रूरत है सर, प्लीज़ सर। रूल्स आर रूल्स, इंस्टीट्यूट किसी की फीस ऐसे वापस नहीं करता है भाई। बट एक्सेप्शन केसेस में 15% डिडक्शन के बाद फीस रिटर्न हो सकती है सर, ये भी तो लिखा है प्रॉस्पेक्टस में। विद इन 14 डेज ये भी लिखा है, वो भी तो पढ़ना था। मेरा तो फर्स्ट डे है, मेरा तो फर्स्ट डे सर। अरे यार एक काम करो, एप्लीकेशन लिखो, मैनेजर सर से साइन करवाओ, और हाँ वो मेडिकल पेपर जरूर लगा देना। सर पेपर्स तो सर फिर घर से मंगाने पड़ जाएंगे सर, उसमें तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत। तो पेपर तो लगाने पड़ेंगे ना प्रूफ के लिए। सर अपनी माँ के बारे में कोई ऐसे झूठ थोड़ी बोलेगा सर। हाँ सर। तुम कौन हो? धैर्य। सर कोशिश करिए ना सर। बेटा धैर्य रखो और कोशिश भी तुम करो। बाय। क्या हो भाई? मंगा लो पेपर्स, हो जाएगा इजी। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इनका तो बाप भी पैसे वापस करेगा यार, और कोई तरीका है क्या फीस वापस करने का? पागल है क्या? मैं वहाँ लेके जाएगा, पकड़ा जाएगा, और जहाँ खड़ा है जिस पिच पे वहीं से बाहर छक्का। क्या करूँ? पेपर नकली बनवाले? चेचक नहीं बोल के आ रहे हैं वो, अल्जाइमर बोल के आ रहे हैं। कैसे नकली कहाँ से बनवा लूँ? तेल नगर में एक लड़का है, डॉक्टर है,
सिविल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था, अभी सब छोड़ छाड़ के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो कुछ कर सकता है। जानता है उसे? मैं क्यों जानूंगा? पर मैंने उसे देखा था संदीप भैया के साथ मेट्रो में। अरे यार संदीप भैया नहीं करेंगे यार, वो बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं। अरे लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या महाकवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है भाई, इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट ट्राई तो करो यार एक बार। हैं बात करता हूँ पर बहुत मुश्किल है, नहीं करेंगे। कितना नेगेटिव आदमी है भाई। वो तो है अभिलाष, ऐसा नेगेटिव फील होता है ना, लगता है कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। तो कुंवर नारायण, इनकी कविता है गुरी अंतिम ऊंचाई, यार मतलब निराशाओं में रास्ता दिखा देती है कसम से। भाई सुन, गिफ्ट है ले ले, भाई को याद करेगा तू। और सिर्फ ये सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये सब पढ़ना पड़ता है खुद को ऐसा मोटिवेट करने के लिए। मेरे जैसे कई लोगों को ना बदल के रख दिया है इन तीन लाइनों ने। ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान देना। गुरी सुन रहा है? सुन रहा। कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता है, कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तबीयत से। यार ज्ञान मत देना, इनकी जगह सिलेबस पढ़ लेता ना तेरा एटलीस्ट मेंस निकल गया होता एक बार। इसे मेंस बीच में कहां आ गया? अरे गुरी इतना लाउड है, वाइब्रेट मोड में रखा करना यार। अरे यार वाइब्रेशन में गुदगुदी होती है, फुल वॉल्यूम पे रखना पड़ता है ना, कॉल मिस हो गया तो पहले भी जानती है। हेलो हेलो गुरी, अभिलाष। क्या भाई ऐसे बुलाएगा शादी पे? व्हाट्सएप पे? कुछ दोस्त तो स्पेशल होते हैं। और स्पेशल दोस्त ग्रुप छोड़ देते हैं। अरे यार वो मेरा ऑफिशियल नंबर है। कहाँ है शादी? वहीं करनाल में। हाँ भाई जट की शादी है, धूमधाम से होगी। हाँ अब इतना तो बनता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर दूसरे की शादी में खाया है तो अपनी में खिलाना ही पड़ेगा। आऊंगा मैं। देख ले यार अब तेरे पास टाइम कहाँ होगा, अब कलेक्टर साहब सबकी शादी में थोड़ी जाएंगे। अरे पर तेरी में तो आएगा। गुरी तू गुस्सा है क्या अभी भी? नहीं। भूल जाते हैं ना यार, इतना टाइम हो गया, इतनी पुरानी बात है। मैं तो भूल ही जाता यार, तू एक कॉल भी कर देता अगर 6 साल में। बस यार बहुत बाद में समझ में आया मुझको। अच्छा सुन, मैं नेक्स्ट वीक अंबाला आ रहा हूँ, करनाल आता हूँ तेरे पास। अब मैं हूँ नहीं करनाल में एक्चुअली, मैं दिल्ली आया था वहाँ काम से, तो थोड़ा टाइम लगा। दिल्ली में? हाँ। अरे तो आज ही मिल, मैं भी तो दिल्ली में हूँ, एक ऑफिशियल काम से आया था। तो डन रहा फिर, आज मिलते हैं शाम में। एसके को भी ले आना। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं एसके से बात करता हूँ। चलो फिर मुझे टेक्स्ट करना, कहाँ हूँ मैं, आता हूँ। क्या
बनने का सपना है ना तुम्हारा, अभी से तुम करप्शन करना शुरू हो गए। ये घटिया आइडिया तुम्हारा ही होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा आइडिया नहीं था, इसी का आइडिया था ये। अरे देखो भक्ति, प्रगति, हाँ सॉरी प्रगति, मैं अरे मैं सिर्फ अपनी फीस वापस ले रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इससे तुम्हारे सिविल सर्विस के एथिक्स और इंटेग्रिटी को कोई थ्रेट नहीं है। फाइन, अगर तुम अपनी जॉब को लेके सीरियस ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें। क्या मैं सीरियस नहीं हूँ? मैं मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। यहाँ तक कि मुझे तो लगने लगा यार लक्ष्मीकांत मेरे कोई खासम खास दोस्त हैं, ये जी सी लियोंग, बिपिन चंद्रा मेरे चचा हैं, इकोनॉमिक सर्वे और स्पेक्ट्रम दूर के रिश्तेदार भी ताने देते हैं कि यूपीएससी इतना आसान नहीं है, रोज सेम खाना खाता हूँ मैं टू सेव टाइम, फिर भी सिलेबस है खत्म नहीं हो रहा है। मूवीज और क्रिकेट देखने से संन्यास ले रखा है मैंने, नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे, थर्ड वर्ल्ड वॉर के सपने आते मेरे को मैडम, जो चाइना ने इंडिया पे बम फोड़ दिया, ऐसे और 50 टेंशन है, फिर भी अपना नेवर से डाई एटीट्यूड अप रखना पड़ता है हमेशा। तुम कह रही हो मैं सीरियस नहीं हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। नहीं है सर, इट्स अ हाई प्रिंसिपल जॉब, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रही। अरे अरे यार तुम लोग तो लड़ ही गए यार, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी यार, यहाँ सबको पता है कि सब पढ़ाई के लिए सीरियस है कि नहीं है, है ना। चलो चलो हाथ मिलाओ, अरे हाथ मिलाओ यार, चिल करो, चलो चलो हाथ मिलाओ, पागल हो गया, तू मिला ले यार, मिला ले यार, कोई नहीं मेरे से मिला ले, और चल चल सेमिनार सेमिनार सेमिनार, चल चल आ जा आ जा। लोग हैं यार ये, चल यार सेमिनार के लिए लेट हो रहा है। अरे नहीं, मेरे को वो संदीप भैया के पास जाना है यार डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। पर आईएएस आ रहा है भाई, देख लूंगा ना वीडियो पे देख लूंगा क्या है। अरे पर लाइव है भाई, तो क्रिकेट भी तो टीवी पे देखता है ना, स्टेडियम गया कभी? क्रिकेट आईएएस क्या कॉम्बिनेशन, तुझसे बात करना बेकार है यार भाई, कसम से यार। हाँ ठीक है जा, तू भी जा। प्रकाश सर, आराम से सोच ले, कुछ दिन और पढ़ के देख ले, फर्क पड़ेगा। अरे नहीं भैया, प्री बहुत नज़दीक है, एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, आप प्लीज़ बात करो ना। ठीक है बात करता हूँ रेड्डी से, शायद हो जाएगा। हो जाएगा, थैंक यू थैंक यू। लेकिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसे की कीमत समझता हूँ, बार बार नहीं चाल लेगा ये। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज सेमिनार वेमिनार था ना कोई, आइए आइए। हाँ चल रहा है वो, तू गया नहीं? अरे नहीं, मुझे आपसे मिलना था, और वहां जाके क्या ही होगा, पढ़ना तो खुद ही है, जाना चाहिए, उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काम आते हैं, इंटरव्यू में हेल्प करता है, छोड़ इसे जा। ये वो कपड़े वगैरह धोने थे मुझको तो, और फिर और वो इंस्टीट्यूट वाले रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं वीडियो में देखूंगा। बावे क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखिया कभी, ज्यादा मजा आता है। ले ठीक होगी जा। भैया आपके इंस्टीट्यूट में नहीं आते आईएएस वाईएएस? ना वो इस साल मैं कोचिंग नहीं कर रहा। क्या आप कोचिंग नहीं जाते? ना वो इस साल ब्रेक ले रहा हूँ। क्यों? बाद में बताऊंगा लंबी कहानी, तू जा जा कपड़े धोने आया राजेंद्र नगर में। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। और संदीप बेटे क्या हाल है? वालिया जी कैसे? ट्यूबलाइट खराब हो गई। हाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, अभिलाष ने ठीक कर दी, लड़का टैलेंटेड है, कुछ मिक्सी विक्सी हो तो ठीक कर देगा फट से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दियो हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से ना पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, इस बार आईएएस निकालना है तूने पक्का। अरे वाले अंकल वो मेरा कमरे में जो आवाज़ आ रही है वो। देख भाई संदीप, जब तू आईएएस बन जाएगा ना तो हमें मत भूलियो, इस घर में रहा इतने साल हैं, और ना मिठाई जरूर खिलाना है,
है? अंकल वो आप वो टीवी का कुछ किससे प्रॉब्लम? टेंशन मत ले, जा तू। वी आर प्राउड टू हैव द प्रथम आईएएस एलमनाई मिस अनुराधा तिवारी आईएएस कमिश्नर गढ़वाल उत्तराखंड अमंगस्ट अस। प्लीज वेलकम हर विद थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो एज कमिश्नर ऑफ गढ़वाल उत्तराखंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस भी आते हैं, पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वाली हेल्प के लिए थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन आपको रास्ता दिखाता है। मैम पॉलिटिशियंस का कितना इंटरफेयर रहता है? तुम्हारी मम्मी को पता है कि उनको एग्जाम का काम करते हैं और आप अपना, पर दोनों का मकसद एक ही होता है। मैम मैम लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते मोटिवेशन को कैसे हम आप रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने खुद ही काफी अटेम्प्ट्स लगाए क्लियर करने में। यू नो फियर और फ्रस्ट्रेशन इस जर्नी के फेलो पैसेंजर्स हैं और ये रहेंगे ही, तो अपनी जर्नी पे फोकस रखिए और फेलो पैसेंजर्स से बात करने की जरूरत ही क्या है। पर मैम इतने सारे फेल अटेम्प्ट्स के बाद क्या कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब गिव अप कर देना चाहिए? ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। यू नो जब आप एक लड़की होते हो एक ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जहाँ 22 साल में आपकी शादी कर दी जाती हो, आप इंडिया के एक बहुत ही बैकवर्ड हिस्से से बिलोंग करते हो और आपको इंग्लिश भी नहीं आती हो और आप घर के बाहर सिर्फ अपनी दीदी की जिद की वजह से पढ़ रहे होते हो और उस पर आप लगातार फेल पे फेल होते जाते हो, हर रोज लगता था कि गिव अप कर दूं और शायद कर भी देती, एक्चुअली डेफिनेटली कर देती, पर उसी वक्त मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उस बात से मेरा एटीट्यूड 180 डिग्रीज फ्लिप कर गया। क्या आप वो बात सुनना चाहेंगे? तो एक स्टोरी सुनिए। 1981 में यूएस में एक प्रोफेसर थे, सेरेमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपनी क्लास को दो ग्रुप्स में बांट दिया और 10 दिन का वक्त दिया। पहले ग्रुप को उन्होंने ये टास्क दिया कि वो सिर्फ एक परफेक्ट मटका बनाए, सिर्फ एक, और दूसरी ग्रुप को ये टास्क दिया कि वो जितने हो सके मैक्सिमम मटके बनाए और क्वालिटी की चिंता बिल्कुल ना करें। दोनों ग्रुप्स ने अपना काम शुरू किया। 10 दिन बाद जब रिजल्ट्स आए तो खुद प्रोफेसर ही हैरान हो गए, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने न केवल पहले ग्रुप से ज्यादा मटके बनाए बल्कि हर मटका वाज बेटर लुकिंग, वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। सब सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। आप जानते हो ये कैसे हुआ? क्योंकि पहला ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी बात को लेकर अटका रहा कि एक मटका बनाना है, इसको परफेक्ट कैसे बनाए, तो उन्होंने सारा टाइम परफेक्शन में ही गुजार दिया। जबकि दूसरे ग्रुप ने एक बार कोशिश की और बहुत बुरे मटके बनाए, पर उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और दोबारा कोशिश करके फिर से मटके बनाए। वो फेल हुए पर इम्प्रूव करते रहे और ऐसे ही अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन्होंने शानदार मटके बनाए। तो इसीलिए आप अपनी गलतियों से डरिए मत, भागिए मत, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बात को बताने वाले शख्स हमारे साथ यहां मौजूद हैं। पर आप उनसे पहली बार मिलोगे ना तो लगेगा जिंदगी बहुत ही होपलेस है। पर प्रकाश सर इट वर्क्ड फॉर मी। बेटा यू वर लकी। अगर ये पॉटवेयर एक्सपेरिमेंट मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मैं भी अपना चौथा अटेम्प्ट देता और फिर आज पोडियम पर तुम्हारी जगह मैं खड़ा होता। पर इट्स ओके सर, जो फेल होता है ना वही बता सकता है कि कहां गलतियां ना करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। क्यों? एवरेज प्लेयर ही बोलते थे बेटा।
तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही IAS बनाता है। आप सब लोग पोएम्स तो पढ़ते होंगे मोटिवेट होने के लिए, तो मेरा एक फेवरेट पोएम, ये एक फेवरेट पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर दस्तावेज से उछालो यार। हाँ। इसी के साथ मैं आपको कहूंगी ऑल द बेस्ट, डोंट गिव अप, थैंक यू। बढ़िया था, बहुत बढ़िया। जो स्पीच होता है ना उसका तो ओ इधर इधर भाई, अबे देखो तो सही आसपास। ए तू अंदर था क्या कर रहा है यहां पे? हां नहीं मैं अभी आया, क्या खत्म हो गया क्या? ओ भाई मिस कर दिया यार तुमने। अरे मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। बट यू वर लेट। अच्छा बहुत अच्छा था, आना अटेंड करना चाहिए। अरे बेटा बेटा, वो मैनेजर साहब से बात कर ली मैंने, तुम बस एप्लीकेशन दे दो और वो उसकी ज़रूरत नहीं है मेडिकल पेपर वगैरह की, ठीक है, हो जाएगी तुम्हारी फीस वापस। माँ के लिए थोड़ी कोई झूठ बोलता है ना। कौन सी फीस सर, कौन सी फीस? अरे वो तुम सवेरे आए थे ना कि माँ को अल्जाइमर है, कोचिंग छोड़ के घर जाना है। मैं? हाँ। अरे नहीं सर, मैं क्यों कोचिंग छोड़ के जाऊँगा, मम्मी तो एकदम ठीक है, मेरी तो बात हुई उनसे अभी, डांट रही थी मेरे को। अजीब आदमी हो यार, तुमने रिक्वेस्ट की तभी तो मैंने मैनेजर साहब से बात करी, वरना क्या मुझे सपने आ रहे हैं? सर मेरे को तो कुछ याद नहीं है सर, ऐसा सपना ही होगा सर। ऐसा बेटा, तुम्हारे पूरे परिवार को अल्जाइमर है, इलाज कराओ अपना। तो कुछ गलत सोच रहे हो सर आप, हमने तो कुछ। ओए सुन, गया था फिर वापस लेने, क्या हुआ? अभी नहीं चाहिए। क्यों? कोचिंग नहीं छोड़ रहा? नहीं छोड़ रहा ना। अरे यार तुम लोगों को छोड़ के कहाँ जाऊँगा यार, है? साथ बनेंगे ना IAS? याद नहीं कॉलेज में हमें क्या कहते थे? क्या? वी आर लाइक अ ट्राइपॉड। उसको झपला कर रही है। अरे रुक रहा हूँ यार कोचिंग, तुम कह रहे थे रुक जाओ। हाँ क्या कुछ तो गेम है, पता नहीं रहा तू। नहीं नहीं गुजरते हैं कलेक्टर रोड से, जैसे अकबर गुजरता है, चिपक जाती है सब की नजरें गाड़ी से, जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। बढ़िया लिख दिया यार। है? क्या है? नीली बत्ती यार, ये नीली बत्ती वाले SK सर जो खुद फेल हुआ वो हमें क्या पढ़ाएगा, कैसे कैसे टीचर रखे हैं यार इंस्टीट्यूट में। सर मुझे अनअकैडमी कॉमबैक की स्कॉलरशिप मिल गई। अरे वाह यार, कांग्रेचुलेशंस। सर लास्ट टाइम खेल रहे थे तो 6th रैंक थी, अब टॉप 3 में आकर स्कॉलरशिप जीत ली सर। फोड़ दिया सर, हैं? सर थैंक्स टू यू एंड अनअकैडमी, आपने गाइड किया था, अनअकैडमी के लेक्चर और आपकी क्लासेस की वजह से फूटा है सर। ये गेमिफाइड रिवीजन क्विज है, प्रिपरेशन बिल्कुल सही हो गया होगा। हां यस सर, अब बस रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता रहता हूं। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहना है, ठीक है? ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते रहो और अंकुर बाबू डोंट टेक चांसेस, हैं? सर आप जैसे टीचर तो चांस लेने नहीं देता।
ये बात जो है ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत लेट समझ आता है भाई। सर आज आपका इवनिंग बैच शुरू हुआ है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास था यार। मतलब आज आपने अपना मनोहर प्रकाश वाला जोक मारा ही होगा। पहला क्लास तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं चलो चलो चाय पिलाएंगे आज तुमको। गुड जॉब। फोन क्यों उठा रहा मेरा? हाँ एक प्रॉब्लम हो गई यार। तो भाई फेलियर है। फेलियर को क्यों बता रहे हो प्रॉब्लम? बताओ किसी और। अभिलाष का फोन आया था। हैं? हाँ। कि क्या सॉरी वॉरी कुछ बोला? क्या बोला? सॉरी मतलब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोला उसने। पैर नहीं पकड़ सकता है फोन पर सॉरी तो बोले कम से कम। नहीं यार प्रॉब्लम ये नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? प्रॉब्लम ये है कि वो शादी में आ रहा है। मैं क्या बोला था आएगा शादी में? मैं बोला था नहीं बोला था? इसमें प्रॉब्लम क्या भाई? तू भी तो चाहता था शादी में आए। मैं कब चाहता था यार? अरे मतलब ऐसा तू, लेकिन वो आ जाएगा तो फिर जो भी चीज है मतलब तू क्या लेकिन पर अरे मतलब शादी में आ जाएगा तेरा उसका बात होगा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समझ नहीं रहा है क्या हुआ है भाई? क्या हुआ है? शादी में धैर्य भी होगी। धैर्य कैसे होगी? व्हाट्सएप में थोड़ी मैंने उसको बोला। देख ग्रुप में धैर्य थोड़ी है। कहाँ है धैर्य? कहाँ है धैर्य? धैर्य क्यों आएगी? मैंने थोड़ी ना बुलाया है धैर्य को। ए गुरी क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ भाई? मैं शादी धैर्य से कर रहा हूँ। शादी कर रहा हूँ धैर्य धैर्य से। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको एपिसोड भाई लोग? मस्त था ना? तो गाइस अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगला एपिसोड तभी आएगा जब आप सब जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं वो जाकर टीवीएफ के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर होते ही हम वेंसडे को नेक्स्ट एपिसोड रिलीज कर देंगे और अगले एपिसोड के लिए आपको नया माइलस्टोन भी दे देंगे। वैसे सही है यार, यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में एक जर्नी होती है ना, जहाँ आपको फ्रेंड्स फिलोसोफर और गाइड्स मिलेंगे, जैसे इन तीनों को मिला एक दूसरे का साथ। आई होप आपको भी कोई ऐसा फ्रेंड मिले जो आपको सही राह दिखा सके। और आपकी इस जर्नी में आपका एक और साथी है अनअकैडमी। Right guidance, right mindset, and right preparation strategy. Get everything and more on Unacademy with top educators of India. So download the Unacademy learning app now and attend a free live class today. Link is in the description. After all, when you have the right guidance, every journey becomes worth it. So let's crack it with Unacademy. और हाँ 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 भाई, TVF को free में subscribe करके हमारे YouTube subscribers के cutoff marks को clear करने में हमें help करें। और हाँ गाइस, जो भी कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हैं वो फटाफट से जाकर एस्पिरेंट्स को IMDb पे भी रेट करें, क्योंकि हम बहुत जल्दी कुछ ऑसम सा गिव अवे लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विथ आपका यूपीएससी का मिशन और हमारा 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मिशन।